हेलो एवरीवन, टुडे वी विल सॉल्व फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 23 ऑफ एक्सरसाइज 9A क्लास 9 RS अग्रवाल में। इससे पहले 1 to 22 तक के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड द क्वेश्चन 23 इज द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट अ पॉइंट ए, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है पॉइंट ए पर है ना, बिफोर अ प्लेन मिरर LM, इससे पहले ठीक है, इज सीन एट वाई बी वाई एन ऑब्जर्वर, एक बी है इसकी फिगर यहाँ दिखाई देती है ना, एस सॉन इन फिगर दिख रहा है ना, ये इज सीन एट द पॉइंट बी वाई एन ऑब्जर्वर एट डी, जो ऑब्जर्वर जो देख रहा है वो डी है, ए पॉइंट की जो इमेज है उसको बी पॉइंट पर दिखाई दे रही है। प्रूव दैट द इमेज is as far behind the mirror as the object is in front of the mirror. हमें ये प्रूव करना है ये जो इमेज बन रही है मिरर से उतनी ही पीछे है जितना मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस फिगर से हिसाब से ऑब्जेक्ट ए है, इमेज बी है, तो हमें प्रूव करना है ए टी या टी ए इक्वल टू टी बी। चलिए करते हैं। तो ये फिगर दे रखी है ना, अब इसमें आपको कुछ साइंस के लॉ मालूम होना चाहिए। ये मिरर है, ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाती है, इंसिडेंट एंगल वो इक्वल होता है रिफ्लेक्टेड एंगल के, तो ये आई से रिप्रेजेंट करते हैं और रिफ्लेक्टेड को आर से, तो आई एंगल इक्वल टू आर के होगा, क्लियर। और ये नॉर्मल है और ये जो इमेज या ऑब्जेक्ट है हमेशा स्ट्रेट बनती है, स्ट्रेट का मतलब ये मिरर के साथ 90 डिग्री पर बनती है, ठीक है, चाहे वो वर्चुअल हो चाहे रियल हो बनेगी 90 डिग्री पर, और ऑब्जेक्ट भी मिरर के साथ या कहीं पर भी होगा अर्थ पर कहीं भी हो तो वो 90 डिग्री पर स्टेट होता है। तो ये इनडायरेक्टली हमें ये गिवन है, ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ओके। तो थोड़ा बस लिख लेते हैं गिवन में क्या है, गिवन है हमें एल एम मिरर है, एल एम इज मिरर, ए ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इज बी, ए इज ऑब्जेक्ट एंड बी इज इट्स इमेज, ओके, ये गिवन है, बाकी इसकी जरूरत नहीं लिखने की, आई आर ये सब फिगर में दे रखा है। अब प्रूफ क्या करना, ये लिखते हैं टू प्रूव फिगर्स के हिसाब से टी ए इक्वल टू टी वी या बी टी इक्वल टू बी ए टी। प्रूफ क्या करना, वैसे जो इमेज बन रही है वो मिरर से उतनी ही डिस्टेंस पर होगी जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट ए है इमेज बी है, तो मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी हमेशा होती है परपेंडिकुलर 90 डिग्री, तो ए टी हुई, तो हमें प्रूफ करना है ए टी इक्वल टू बी टी, ये हमें प्रूफ करना है। तो लिख दो टू प्रूव ए टी इज इक्वल बी टी। अब इसका आप प्रूफ लीजिए, जो फिगर दे रखी है उसके हिसाब से आई इक्वल टू एंगल आर होगा ना, तो ये लिख दे पैसा से पहले ही दे लो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, क्यों होगा वैसे ये समझ में आ गया, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, ओके ये हो गया। अब जरा यहां देखिए ये लाइन इसके पैरेलल है, चलो लिख ही देता हूं कि बी ए इज पैरेलल टू सी एन, पैरेलल क्यों ये भी समझ लो, ये कितना 90 डिग्री और ये इस पर क्या होता है नॉर्मल परपेंडिकुलर, तो ये भी 90 डिग्री हुआ, ये दोनों करस्पोंडेंस एंगल इक्वल हो गए, तो ये लाइन इसके पैरेलल हुई, ठीक। और ए सी इज द ट्रांसवर्सल, देखो ये पूरी लाइन इसके यहाँ अलग से बनाता हूँ, ये लाइन इसके और ये जा रही है ए, ये जा रही है सी, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, कौन सा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा आई के, तो बी ए पैरेलल टू सी एन एंड ए सी इज आर ट्रांसवर्सल, सो एंगल बी ए सी इज इक्वल होगा, दिखाता हूं बी ए सी, ये बी ए सी इक्वल होगा इसके, इसको क्या लेंगे ए सी एन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्यों होंगे बिकॉज दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो एंगल बी ए सी की वैल्यू इक्वल हो गई ए सी एन दे रखा मैं आई के, ओके
या बी ए सी बोलें, चाहे हमसे बोल दें टी ए सी। देखो बी ए सी या टी ए सी की बात है, बी ए सी या टी ए सी, एंगल तो यही है, तो मैंने इसको बी ए सी की जगह लिख लिया, और एंगल टी ए सी इज इक्वल एंगल आई किया। ओके क्लियर। अब जरा यहां देखें दोबारा से, देखो बी ए पैरेलल टू सी एन है, दोबारा से फिगर बनाता हूं मैं, अलग पेपर लेता हूं उसको बनाता हूं। देखिए यहां समझिए, ये बी ए है और ये सी एन है, और ये डॉट 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 करके जो आ रही है ना, तो ये था पॉइंट बी ए सी एन। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, कैसे एंगल, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, देखो आपको पेपर घुमा के दिखाऊं तो समझ में आएगा। आगे समझ, टू पैरेलल लाइन, लाइन के ऊपर ट्रांसवर्स के सेम साइड, चाहे ऐसी समझ लो, बात वही है, टू पैरेलल लाइन है, लाइन के नीचे ट्रांसवर्स के नीचे और पैरेलल लाइन के सेम साइड, वो कहलाते हैं कॉरस्पॉन्डेंस एंगल। तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, और ये एंगल क्या है, ये एंगल है आर, ये सी एन था, ये एंगल आर, और ये एंगल कौन सा, ये, तो ये भी क्या होगा आर के, क्या लिखेंगे, बी ए पैरेलल टू सी एन एंड बी सी, या आगे कुछ नाम है नहीं है, बी सी इज द ट्रांसवर्सल, सो एंगल दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, कौन से, कॉरस्पॉन्डेंट। क्लियर। तो मैं ये लिखने वाला हूं कि बी ए इज पैरेलल टू सी एन, देखो फिगर में बी ए पैरेलल है सी एन के, बी ए पैरेलल टू सी एन एंड ये नाम दे रखा है डी, आगे लिखना चाहो लिख सकते हो, बी सी या बी डी एक ही बात है, बी सी लिखो चाहे बी डी, बी डी इज ट्रांसवर्सल, अब मैंने बी सी लिखा बी सी एन, तो बी सी इज अ ट्रांसवर्सल, सो एंगल टी बी सी इज इक्वल होगा एंगल एन सी डी। दिखाता हूं मैं, ये एंगल इक्वल होगा इसके, है ना, और ये क्या है टी बी सी बोले चाहे ए बी सी एक ही बात एंगल, तो ये तो मैंने लिख लिया टी बी सी, और इसको क्या लिखेंगे एन सी डी, एन सी डी वही मैंने लिखा टी बी सी इक्वल टू एन सी डी। तो एंगल टी बी सी इक्वल टू हो गया एन सी डी किसके इक्वल है, एंगल आर के। ओके क्लियर। व्हाट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, आर इक्वल किसके है, एंगल आई के, तो टी बी सी इज इक्वल हो गया एंगल आई के, कहां से, बिकॉज एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, सबसे ऊपर फर्स्ट इक्वेशन में देखा है। ओके बस अब तो प्रूफ हो गया, अब हमें यारा ट्राइंगल कौन सा बी टी सी और ए टी सी लेना है, इन ट्राइंगल ए टी सी एंड बी टी सी लिखते हैं, इन ट्राइंगल ए टी सी एंड ट्राइंगल बी टी सी, एंगल ए टी सी इज इक्वल है एंगल बी टी सी ईच 90 डिग्री। अभी दिखाऊंगा क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट रखिए मिरर, हमने कहता था हमेशा मिरर के साथ ऑब्जेक्ट है और एक इमेज है, दिखा देता हूँ चलो, ये हमेशा मिरर के साथ कैसे होते हैं 90 डिग्री पर, तो ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री, वही मैंने लिखा है ए टी सी इक्वल टू बी टी सी, दोबारा देखो ए टी सी इज इक्वल टू बी टी सी, और ये एंगल इसके इक्वल है कैसे गेरा हमने भी करा, क्या लिखता हूँ लिखता हूँ चलो, एंगल टी ए सी, एंगल टी ए सी इक्वल है एंगल टी बी सी, क्यों है, क्योंकि ईच इक्वल है एंगल आर के, आई के सॉरी आई आई लिख लो, ये है इक्वल एंगल आई के, कैसे दिखाता हूँ, देखो टी ए सी एंगल आई और हमने यहाँ प्रूव करा टी बी सी इक्वल टू एंगल आई, तो टी ए सी इक्वल टू टी बी सी दोनों की वैल्यू क्या है एंगल आई के, और देखो इसमें टी सी इस ट्रायंगल में भी है, इस ट्रायंगल में टी सी इक्वल टू टी सी कॉमन, टी सी इक्वल टू टी सी, ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, जब कॉमन है तो दो एंगल और एक टी सी साइड्स, तो ए ए एस ये कॉन्ग्रेंट हो गए, ट्रायंगल ए टी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी टी सी, किस क्राइटेरिया से, वाई एंगल एंगल साइड्स क्राइटेरिया, ओके कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया से, तब ये इक्वल है, तो बाई सीपीसीटी प्रूफ हो गया, हमें प्रूफ करता ए टी इज इक्वल बी टी, ठीक है ना, बस ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं वाई सी पी सी टी, यही हमें प्रूफ करना था।
is true. Now next question number 24. And the question 24 is, in the adjoining figure, ये figure दे रखी है, explain how one can find the breadth, नदी की breadth क्या है, AB, of the river without crossing it, बिना इसको cross करे, हमें बताना ये width कैसे होगी. तो ये figure दे रखी है, लेकिन इसमें कुछ दिया नहीं है, कायदे से हम अपने हिसाब से figure बनाएंगे, फिर बताएंगे क्या है. देखो होना क्या चाहिए, B is the midpoint, है ना, किसका, BM का, के लिए. चलो मैं बनाता हूँ, वहीं बनाते हैं. अब देखिए फिगर हम ऐसे बनाएंगे, ये सपोज करो ये रिवर है जिसकी विथ ए बी है, विथ डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, यानी कि इस पर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना. हम क्या करेंगे, इस किनारे कोई डिस्टेंस हम चले एम तक, कितनी डिस्टेंस चलिए, आप यहां ले लो कहीं ले लो, तो अब बी और एम का मिड पॉइंट, मैंने मिड पॉइंट ऑलरेडी रखा हुआ है, ये ले लिया ओ. अब ए ओ को मीट करो और आगे प्रोड्यूस करो, ए ओ को मीट करते हुए आगे तक बढ़ाना है. फिर एम से पॉइंट एम पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और इसको प्रोड्यूस करो जब तक कि इसको ए ओ को जो आगे बढ़ रही है जहां पर मीट ना हो जाए, और ये कहीं ना कहीं मीट होगी, इसको नाम दे दिया है एन, जो उन्होंने फिगर दे रखी है ना, तो वो ऐसे बनेगी. तो हमने क्या करा था कि ये तो वाटर का नहीं आंसर, ये ओ पॉइंट है, ओ इज द मिड पॉइंट, यानी कि क्या होगा, बी ओ इज इक्वल टू एम ओ, और ये हमने परपेंडिकुलर 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, होगा नहीं होगा. अब अगर किसी तरह से ये दोनों ट्राइंगल कॉरस्पॉन्डेंट हो जाएं, सॉरी कॉरस्पॉन्डेंस करूँ कॉन्ग्रेंट हो या कॉन्ग्रेंट ये होंगे, देखो ओरली होगा कैसे, ये एंगल इसके इक्वल वर्टिकल अपोजिट, ये एंगल इसके इक्वल ईस्ट 90 डिग्री और बी ओ इक्वल टू एम ओ, तो क्या हुआ, एंगल साइड्स एंगल ए एस ए से दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए, जब कॉन्ग्रेंट हो गए तो कॉरस्पॉन्डेंस साइड्स इक्वल होगी, तो ए बी इक्वल टू कितनी होगी, एम एन. तो हम नदी को पार करे बिना हम एम एन को मेजर कर लेंगे, जितनी एम एन होगी उतनी नदी की विड्थ होगी, समझ में. ये नहीं कि फिगर दे रखी है, फिगर तो हमें बनानी है, किस हिसाब से बनानी, समझ में आ गया. बी से हम इसके परपेंडिकुलर नदी के किनारे चले, कहीं तक चले, आप यहाँ भी आ सकते हैं, है ना, कुछ नहीं कहाँ तक आपके दिमाग में आया, हम कहाँ तक लें, कहीं भी ले लो, अगर एम है तो इसका जो भी है उसका मिड पॉइंट लेंगे ओ, ए को ओ से जॉइन करते हुए आगे प्रोड्यूस करोगे और एम से इस पर परपेंडिकुलर डालोगे, क्लियर. तो हमें ये मालूम है ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी एम, यानी कि बी ओ इक्वल टू सी ओ, और ये डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर 90 डिग्री, और ये हमने 90 डिग्री ड्रॉ करा है, तो ये एंगल इसके 90 डिग्री है और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, बस ये करना है. थोड़ा सा कुछ लिख देता हूं मैं, छोटा सा, गिबन, गिबन तो कुछ भी लिखे हैं कोई जरूरत नहीं है, चलो लिख दें थोड़ा सा, बस ये मान लेते हैं ए बी इज द ब्रेथ ऑफ रिवर, ब्रेथ ऑफ द रिवर एंड ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी एम, ज्यादा लैंग्वेज लिखनी होती है, और क्या, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी एम, यानी कि इनडायरेक्टली हमें ये रखा है बी ओ इज इक्वल एम, और एक चीज और, एम से इस पे परपेंडिकुलर लगा है ना, तो एन एम इज द परपेंडिकुलर ऑफ बी एम, और ए भी परपेंडिकुलर क्यों होगा, क्योंकि विड्थ निकालनी हो किसी की तो हमेशा विड्थ क्या होती है, ये हाइट पूछे हैं वो सामने वाले पॉइंट से सामने वाली साइड्स पर परपेंडिकुलर, तो ये भी 90 डिग्री होगी, अंडरस्टूड है, है ना. अब चलिए लेते हैं इन दोनों ट्राइंगल को ले लेते हैं. नाउ इन ट्राइंगल ए बी ओ एंड ट्राइंगल ए बी ओ एम एन ओ, दिखाता हूं मैं दोबारा से, ए बी ओ एंड एम एन ओ, एंगल ए बी ओ इज इक्वल एंगल एन एम ओ ईच 90 डिग्री, एंगल ए बी ओ इज इक्वल एंगल एम नहीं एम नहीं एन एम ओ, कॉस क्या लिखेंगे, ईच 90 डिग्री, ठीक है ना, और क्या इक्वल है, बी ओ इज इक्वल टू एम ओ, क्यों, बिकॉज ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ एम एन, बी ओ इज इक्वल एम ओ, वाई, बिकॉज गिबन लिख सकते हो सीधे सीधे, या ओ इज द
मिड पॉइंट ऑफ बी एन, और एक और एंगल ए ओ बी इज इक्वल है एंगल एन ओ एम। वर्टिकली अपोजिट्स एंगल्स दिखाता हूं मैं आपको, ये रहा ए ओ बी, ये एंगल किसकी इक्वल है एन ओ एम, टू लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस तरह के एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं, ये आपस में इक्वल होते हैं। तो बस हो गया। सो ट्राइंगल ए बी ओ कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल एम एन ओ, किस क्राइटेरिया से, एंगल साइड्स एंगल कॉन्ग्रेंट क्राइटेरिया। तो ये हो गया, तो इसका मतलब ए बी इक्वल टू कितना होगा एम एन के। अब ए बी क्या है, ए बी इज द विड्थ, हमें यहां क्रॉस नहीं करना था, हम एम एन को तो नाप सकते हैं, जितनी एम एन होगी उतनी विड्थ होगी किसकी, रिवर की। सो ब्रेथ ऑफ रिवर इज इक्वल एम एन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, एंड द क्वेश्चन 25 इज इन अ ट्राइंगल ए बी सी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए सी सच दैट बी डी इज इक्वल हाफ ए सी, सो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल, जो एंगल बी है वो राइट एंगल है। तो पहले तो आप फिगर समझिए, फिगर में क्या दे रखा है, मैं एक ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी, जिसमें हमें बी को राइट एंगल प्रूव करना है, स्ट्रेट लाइन होगी, आप तो ट्राइंगल बनाओगे तो नीचे कुछ ले जाएगी, ये ए, ये बी और ये पॉइंट है सी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अब देखो डी मिड पॉइंट है, इसका मतलब ए डी इक्वल टू सी डी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए सी सच डेट, और ये भी दे रखा है बी डी इक्वल टू हाफ ए सी। चलिए तो गिबिन लिखते हैं पहले, गिबिन है इन ट्राइंगल ए बी सी डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अब ये मिड पॉइंट ए सी का इसका मतलब ए डी इक्वल टू सी डी हो गया है ना, ए डी इक्वल टू हो गया सी डी, और ये किसके इक्वल होगा, ये मिड पॉइंट है तो पूरे हाफ के इक्वल होगा। अरे ए डी, अगर ए सी 10 है तो ए डी 5 होगा और सी डी 5 होगा, यानी कि 10 का हाफ यानी कि पूरे का हाफ। और क्या गिवन है हमें इसमें, देखा सच डेट बी डी इक्वल टू, और हमें ये भी गिवन है कि बी डी इक्वल टू हाफ ए सी, ये भी हमें गिवन है। क्लियर, प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव एंगल ए बी सी इज अ राइट, राइट का मतलब 90 डिग्री, राइट एंगल, यानी कि हमें प्रूफ करना है ए बी सी की वैल्यू 90 डिग्री है। प्रूफ लो, देखो हमें गिवन है ए सी इज इक्वल, ए सी इज इक्वल सी डी इज इक्वल हाफ ए सी, इक्वेशन वन डाल दी, क्यों, क्योंकि ये हमें गिवन है, और ये भी गिवन है वी डी इक्वल टू हाफ ए सी सेकेंड, ये भी गिवन है। तो देखो ए सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू हाफ ए सी और बी डी इक्वल टू हाफ ए सी, इसका मतलब क्या है, तीनों साइड्स आपस में कर लें, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ए सी इज इक्वल सी डी इज इक्वल बी डी। क्लियर ना, जरा फिगर में देखें, ए सी, ए सी लिख दिया, ए सी गलत लिख दिया मैंने, यहाँ थोड़ा सा गलत लिख दिया, ये ए सी नहीं, ए सी तो पूरी है, ए डी आई है ना, ए डी, समझ में आ गया, हाफ मिड पॉइंट था तो ए डी इक्वल टू सी डी, ये हाफ ए सी, ए सी गलत लिख दिया था, सही कर ले रहे, और कहाँ लिखा यहाँ, तो ए सी नहीं, ये है ए डी, यहाँ है ए डी। क्लियर, तो ए डी इक्वल टू सी डी और ये इक्वल है बी डी, ये साइड्स इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल। क्लियर, अब जरा प्रूफ में देखें, इस वाले ट्राइंगल देखें, ये साइड इसके इक्वल है ना, इन ट्राइंगल ए बी डी, चलो लिखते भी हैं, इन ट्राइंगल ए बी डी ए डी इज इक्वल बी डी, अभी हमने प्रूव करा ए डी इक्वल टू बी डी, फिगर में देख लो, ये रहा ए डी इज इक्वल टू बी डी, हमें मालूम है अगर साइड्स इक्वल हो तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, तो एंगल डी ए बी इक्वल टू होगा एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ए बी डी। सो एंगल
VAD equal to angle ABD. Opposites angles of equal sides. क्लियर? यानी कि ये आइसोसेलस ट्रायंगल, इसको मैं थोड़ी दूसरे अलग मेथड से कर देता हूं. प्रूफ, लेट एंगल BAD इक्वल टू एंगल ABD इक्वल टू, मैंने मान लिया ये x डिग्री के. क्लियर? अब जब फिगर में देखें, ये x डिग्री है तो ये भी x होगा क्योंकि इक्वल है, माना. अब इस वाले ट्रायंगल लो, इन ट्रायंगल BCD. नाउ इन ट्रायंगल BCD क्या क्या गिवन है? DC या CD इक्वल टू BD, है ना? CD इक्वल टू BD, ये रहा CD इक्वल टू BD. हमने प्रूव करा भी कि CD इज इक्वल BD, तो वही दो साइड्स इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल, यानी कि ये एंगल इसके इक्वल होगा. तो एंगल CBD इक्वल टू, एंगल CBD इक्वल टू होगा एंगल BCD, कॉस वही अपोजिट्स एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, इसको भी मैंने मान लिया. लेट एंगल CBD इज इक्वल एंगल BCD इज इक्वल टू, हमने से मान लिया x के बजाय y डिग्री की. अब जरा फिगर में देखें, ये भी y और ये भी y. क्लियर? अब इन ट्राइंगल ABC, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, तीनों एंगल का सम क्या होगा? 180, वो लगा दो एंगल सम प्रॉपर्टी. नाउ इन ट्राइंगल ABC, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल 180 डिग्री. A है x डिग्री की, दिखाता हूं अभी. देखो एंगल A कौन सा है? ये रहा, ये क्या है? x. B क्या है? ये पूरा, यानी कि x प्लस y. और C क्या है? y. तो ये सब लिख दे रहा हूं. अब b किसके इक्वल है? x प्लस y के. और c किसके इक्वल है? y के. 180. इसको जरा प्लस करें, x प्लस y प्लस y इज इक्वल 180. x हो गया 2x, y 2y, 180. 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो x प्लस y इक्वल टू 180, 2 से डिवाइड करेंगे तो x प्लस y इज इक्वल टू 90 डिग्री. अब x प्लस y मिलकर क्या बनना है? देखो फिगर में, ये x, ये प्लस y, ये पूरा एंगल बन गया. और ये क्या है? ए बी सी हो गया. ये प्रूव करना था, x प्लस y किसके इक्वल है? एंगल ए बी सी. सो एंगल ए बी सी इज इक्वल 90 डिग्री. और यही हमें प्रूव करना था कि ए बी सी इज अ राइट एंगल. राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री. तो ये प्रूफ हो गया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26. इन द क्वेश्चन 26 इज, इफ टू साइड्स and an angle of one triangle are equal to two sides of an angle of another triangle, then the two triangles must be congruent. Is the statement true? Why? बताना true है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों. दो sides और एक angle equal हो तो क्या ये true होगा? नहीं होगा. Answer is no. क्यों? बताते हैं अभी आपको. देखो यहां समझिए, दो triangle हैं, ये साइड इसके इसके इक्वल है, मान लो ये साइड इसके इसके इक्वल है और याला एंगल इस एंगल के इक्वल है. तो कोई क्राइटेरिया लगाई नहीं, एस एस ए कोई क्राइटेरिया नहीं होता, एस ए एस तो होता है. तो दो साइड्स और इंक्लूड एंगल इक्वल होता तब तो ये कॉन्ग्रेंट होते, अदरवाइज नहीं होते. ओके, अब स्टेटमेंट लिख देते हैं हम, क्या लिखना है. तो आंसर तो हो गया नो. थोड़ा सा कॉज लिख दो कि इफ टू साइड्स, जो मैंने अभी फिगर समझे थे ना, इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूड का मतलब दोनों साइड के बीच का, एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग टू साइड्स एंड द इंक्लूड एंगल इंक्लूडेड
ऑफ कौन सा अदर ट्राइंगल से? तब तो ये कॉन्ग्रेंट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे. ओके, देन इट विल बी कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर, तब ये कॉन्ग्रेंट होंगे. ठीक है ना, तो देन द टू ट्राइंगल, या बोथ भी लिख सकते हो, बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, इस कंडीशन में होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे कॉन्ग्रेंट. अदरवाइज जो मैंने फिगर समझाई थी, दो साइड्स और इन दोनों साइड्स को जोड़ने के अलावा कोई अलग एंगल है तो क्या बना एस एस ए, और ऐसा हमने कोई क्राइट एरिया पढ़ा नहीं. हाँ ए ए एस और ए एस ए तो पढ़ा है, लेकिन एस एस ए कुछ नहीं होता, एस ए एस तो होता है. तो आर कॉन्ग्रेंट, अदरवाइज द ट्राइंगल विल नॉट कॉन्ग्रेंट. बस अदरवाइज द ट्राइंगल्स will not congruent to each other. Okay, इसी बेस पर कुछ कुछ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है. एंड द क्वेश्चन 27 क्या है मैं पढ़ देता हूं. इफ टू एंगल्स एंड अ साइड, दो एंगल और एक साइड इक्वल है ना, टू एंगल्स and a sides of one triangle are equal to two angles and a sides of another triangle, then the two triangles must be congruent. If is the statement true or why? तो ये होगा कैसे बताते हैं. देखो दो एंगल के हमारे पास दो कंडीशन बनती हैं. पहली कंडीशन हो सकता है ये एंगल इसके इक्वल हो और ये वाला करस्पोंड एंगल इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल, दो एंगल एक साइड, तो ये हो गया ए एस ए क्राइटेरिया, तो ये कॉन्ग्रेंट होंगे. दूसरी कंडीशन क्या बनती है, ये एंगल इस एंगल के, याला एंगल इस एंगल के और एक कोई अलग साइड, ये साइड इसके साइड से, तो ये भी हमारे पास एक क्राइटेरिया ए एस. तो कोई सी भी कंडीशन हो, दोनों कंडीशन में ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगे. तो आंसर हो गया यस. तो लिख दो यस द स्टेटमेंट इज ट्रू. यस The statement is true. क्यों है? Cause भी लिख दो. Because the two triangle, because the two triangles can be congruent. Why either कौन सा रूल बताया जाए, ए एस ए एस और दूसरा क्या था ए एस ए, ए एस ए कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया. कोई सा भी क्राइटेरिया एक ना एक लग जाएगा, अगर दोनों इंक्लूडिंग साइड इक्वल है तो ए एस ए और अदर साइड से तो ए एस. तो ये आपकी एक्सरसाइज 9A कंप्लीट हुई और मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ भी आ गई होगी. फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा. अगर आप लोग पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी. इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.